हेलो दोस्तों, तो यदि आपने भी एसएससी में रजिस्ट्रेशन करने में या फिर एसएससी के किसी भी फॉर्म को अप्लाई करने में कोई गलती कर दी है और आपसे फाइनल सबमिट भी हो गया है, तो अब ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, क्या है इसका सबसे बेहतरीन सॉल्यूशन, आज के इस वीडियो में आपको विस्तार से बताया जाएगा। तो बस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके हमारा सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि सिंह और आप देख रहे हैं टॉक विद रवि यूट्यूब चैनल। चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि अगर आपने पहले कभी एसएससी में रजिस्ट्रेशन किया है और उस रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पर आपने कोई गलती कर दी है और अब आप एक कोई नई भर्ती के फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसके लिए देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपका जो पहला किया हुआ रजिस्ट्रेशन था जिसमें आपने कोई गलती कर दी है, तो आपको सबसे पहले उसे मॉडिफाई कर लेना है। अब आपको अगर ये लगता है कि मॉडिफाई होगा या नहीं होगा, तो मैं जरा आपको यहां पर क्लियर करना चाहता हूं कि देखिए, अगर आपने पहले कभी कोई रजिस्ट्रेशन किया है और उसमें कोई गलती हो गई है, तो जब भी आपकी एसएससी की आगे आने वाली कोई भी भर्तियां होंगी, तो उन भर्तियों से पहले आपको दो दो मौके दिए जाते हैं अपने रजिस्ट्रेशन को मॉडिफाई करने के। जैसा दोस्तों अभी पता है कि अभी आपका एसएससी जीडी का भर्ती चल रहा है और आपने पिछले किसी भर्ती के टाइम पर एसएससी में रजिस्ट्रेशन किया होगा और वहां पर अगर आपने एसएससी के रजिस्ट्रेशन में कोई गलती कर दी है, तो जैसे अब यहां पर एसएससी जीडी कांस्टेबल का भर्ती आया हुआ है, तो अब आपको सबसे पहले अपने रजिस्ट्रेशन को मॉडिफाई कर लेना है और आपको यहां पर मॉडिफाई करने के दो मौके दिए जाएंगे। दोनों में से जल्दी से आप अपने रजिस्ट्रेशन को पहले मॉडिफाई करके उसे सबमिट कर लीजिए, इसके बाद ही आप एसएससी जीडी कांस्टेबल का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां से एक बात तो आपको क्लियर होती है कि जब भी एसएससी का कोई भी नया भर्ती आता है, तो आपको वहां पर दो मौके दिए जाते हैं अपने रजिस्ट्रेशन को मॉडिफाई करने के लिए, यानी कि सुधार करने के लिए। इसके बाद ही आप उस भर्ती में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अब बात करते हैं इसके दूसरे और सबसे बड़े सॉल्यूशन के बारे में। देखिए, मैं यहां पर आपको दो चीजें बताता हूं। पहला चीज एसएससी में होता है रजिस्ट्रेशन और दूसरा चीज यहां पर होता है फॉर्म अप्लाई। तो देखिए, यहां पर अगर आपका जो फॉर्म है वो अप्लाई कर दिया है आपने किसी भर्ती के लिए, फाइनल सबमिट कर दिया है, और उसके बाद आपको पता चलता है कि आपके फॉर्म में या फिर रजिस्ट्रेशन में कोई गलती थी, लेकिन आपसे जो फॉर्म है वो पूरी तरीके से फाइनल सबमिट हो गया है, तो क्या ऐसे में अब आपका जो फॉर्म होगा वो मॉडिफाई किया जा सकता है? तो दोस्तों, इसका मैं आपको आंसर देना चाहता हूं, बिल्कुल नहीं। अगर आपने एक बार गलती से भी अपने फॉर्म को पूरी तरीके से फाइनल सबमिट कर दिया है, तो फिर आप कभी भी अपने फॉर्म को मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे, जब तक यहां पर एसएससी की तरफ से कोई ऑफिशियल आपको मॉडिफिकेशन का ऑप्शन नहीं दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों, अब जरा बात करते हैं रजिस्ट्रेशन को लेकर कि अभी अगर आपने इसका जो फॉर्म है अप्लाई नहीं किया है और उससे पहले ही आपको पता चल गया कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है उस रजिस्ट्रेशन में आपने कोई गलती कर दी है, तो देखिए यहां पर आपको दो बड़ी चीजें मैं बताना चाहूंगा। देखिए, पहली चीज आती है यहां पर कि देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर आपके रजिस्ट्रेशन में कोई गलती हो गई है, तो आप सबसे पहला काम यहां पर यह कर सकते हैं कि एसएससी को आप मेल कर सकते हैं, जिससे उनसे एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है इसमें आपने कोई गलती कर दिया है और इस रजिस्ट्रेशन को यहां से हटा दिया जाए, ताकि आपको एक फ्रेश तरीके से दोबारा रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिले। अब देखिए, यहां पर दूसरा जो सबसे बेहतरीन तरीका होता है वो आप मैनुअल तरीके से कर सकते हैं, वो तरीका जेन्युइन सबसे तरीका है। देखिए, वो तरीका ये होता है कि देखिए, जैसे अगर आपने एक यहां पर रजिस्ट्रेशन किया और उस रजिस्ट्रेशन से कोई अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया जो आप फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं, तो देखिए आपको क्या करना है कि उस रजिस्ट्रेशन में अगर आपने कोई गलती कर दिया है, तो आपको उस रजिस्ट्रेशन को ऐसा ही खाली छोड़ देना है, उस रजिस्ट्रेशन से कोई भी फॉर्म को अप्लाई नहीं करना है। इसके बाद आपने क्या करना है कि दूसरा एक नया रजिस्ट्रेशन करना है। नया रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है, इसको लेकर मैं आपको ऑलरेडी यहां पर वीडियो बना चुका हूं, तो अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आता है तो आप मुझे यहां पर कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं आपको दोबारा एक नया वीडियो बना दूंगा बिल्कुल फ्रेश तरीके से। तो दोस्तों, अब आपको क्या करना है कि जो आपने पहला रजिस्ट्रेशन किया था जिसमें आपकी कोई गलती हो गई है, तो अभी तक अगर आपने उससे फॉर्म को अप्लाई नहीं किया है, तो आपको उस रजिस्ट्रेशन को ऐसे ही छोड़ देना है। इसके बाद आपने क्या करना है कि दूसरा एक और नया रजिस्ट्रेशन कर लेना है। नया रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब आपका वो रजिस्ट्रेशन पूरी तरीके से सही तरीके से हो जाए, उसके बाद आपको उससे जो भी फॉर्म अप्लाई करने हैं उन्हें आप कर सकते हैं। अब जब पहले रजिस्ट्रेशन को आप ऐसा ही छोड़ दोगे, उसमें कोई भी फॉर्म अप्लाई नहीं करोगे, तो वो फॉर्म जो हमारा रजिस्ट्रेशन होगा वो ऑलरेडी वहां से हटा दिया जाता है। अब देखिए, यहां पर आपको एक और बड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि अगर हम एसएससी में दो रजिस्ट्रेशन कर देंगे, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हमारा जो फॉर्म है वो यहां पर रिजेक्ट कर दिया जाए? तो देखिए दोस्त, मैं जरा यहां पर आपको कंफर्म करना चाहता हूं कि रजिस्ट्रेशन चाहे आप दो करो, चाहे दस करो, चाहे बीस करो, क्योंकि आपको पता होगा कि रजिस्ट्रेशन एक कैंडिडेट का केवल एक ही डेटा के साथ में एक ही रजिस्ट्रेशन हो सकता है, तो इसलिए रजिस्ट्रेशन आप एक करो, दो करो या फिर दस करो, कोई भी एसएससी को फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एसएससी बोल चुका है कि यहां पर रजिस्ट्रेशन एक कैंडिडेट का एक ही रहेगा। अब इसके बाद देखिए क्या होता है कि रजिस्ट्रेशन आपने जहां जितने भी करके रखे हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपने एक ही भर्ती में कितने फॉर्म को अप्लाई किया है सबसे मायने वो रखता है। तो आपको सिंपली क्या करना है, रजिस्ट्रेशन आप चाहे जितने भी कर सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है, लेकिन मैं एडवाइस यही दूंगा कि कृपया अपना एक ही रजिस्ट्रेशन रखिएगा।
अब देखिए क्या है कि अगर आप किसी एक भर्ती में दो अलग अलग रजिस्ट्रेशन से दो फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, यानी कि एक ही भर्ती में आपने सेम डेटा के साथ में दो फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं, तो फिर फॉर्म एप्लीकेशन जो होता है, जो आपके एप्लीकेशन होते हैं वो रिजेक्ट होते हैं, बल्कि जो आपके रजिस्ट्रेशन होते हैं वो रिजेक्ट नहीं किए जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर एक ही भर्ती में आपको दो फॉर्म अप्लाई नहीं करने हैं, रजिस्ट्रेशन आपको जितने भी माना है उतने आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फॉर्म जो है वो केवल एक ही आपको पहुंचना चाहिए एसएससी में। तो दोस्तों उम्मीद है कि यहां से आपको जो दो तीन हमने सॉल्यूशन दिए हैं ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी लगती है तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, आपकी पूरी पूरी यहां पर हेल्प की जाएगी, किसी प्रकार से आपका जो फॉर्म है वो रुक नहीं पाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल भरोसा रखिएगा और आप कमेंट कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूंगा कि आप हमारा सपोर्ट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ में एक बार इसे भेज जरूर दीजिए, और वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप के साथ में जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं एक और अपडेट के साथ में एक और नए वीडियो में।